हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे ना से। देखिए, मैं खुश भी हूँ लेकिन मेरे अंदर बहुत बहुत गुस्सा है। कुछ लोगों के लिए बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पूजा पाठ में बिजी रहती हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा ज़्यादा सोचा नहीं है। मैंने हमेशा सोचा है कि अब इंसान सुधरेगा तब इंसान सुधरेगा। हमेशा लोगों को सुधारने की कोशिश की। मैं यहाँ से काड़ूबाई जा रही, दिल में तकलीफ़ भी बहुत है ऐसा। और दूसरी बात, मैं काड़ूबाई इस बार जा रही हूँ और इस बार मैंने कसम खाई है, मैं वहाँ जब तक रहूँगी, फिलहाल तो 7 दिन का कसम पूरा खाया, आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार तक मैं डेली माता रानी को जब भी शाम को उधर मिलने जाऊँगी, मैं घुटने के बल पे जाऊँगी, मैं घुटने के बल सीढ़ियाँ चढ़ूँगी। बस इसलिए कि माँ, ये जो लोग बार बार बिगाड़ने को देख रहे हैं, हम कितनी बार माफ़ करेंगे? इन लोगों को खुद का अच्छा खासा बिजनेस होते हुए, इन जो भड़वों को औरतों की कमाई खाने की आदत है, ये जो रंडिया दूसरों का घर का बर्बाद करती है, खुद तो ज़िंदगी भर पता नहीं क्या क्या करके आई हैं, सबका घर बर्बाद करती है, इन लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए? मैं सच बोल रही हूँ, काड़ूबाई का आप नहीं जानते, काड़ूबाई का वार कोई नहीं काट सकता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आने वाले 7 दिन के अंदर इन लोगों को लकवा पढ़ के लोग खट्टे पे पढ़ने चाहिए। और ये जो भड़वों लोगों को आदत है ना दूसरों की कमाई खाने का, इन लोगों का खुद का सारा बिजनेस बंद होके इन लोगों का इनका यही काम रहना चाहिए कि ये लोग खटिए का काम कर करके अपनी कमाई चलानी चाहिए। खटिए का काम तो पूछते क्या है ये लोग? लोगों को घर, लोगों की बच्चों को भड़का के, लोगों की लड़कियों को भड़का के उनकी कमाई खाने को देखते हैं ना ये लोग। तो बच्चों को बड़ा भी इसलिए करते हैं कि इनको कमा के इनकी कमाई खा सके। तो इन लोगों को अब ऐसी हाल करेंगे कि खट्टे की कमाई करेंगे? आज की तारीख में सब करते हैं ना धंधा, ये लोग देखने एक वक्त आएगा सारा धंधा छोड़ कर, सारा काम छोड़ कर ये लोग धंधे की कमाई खाएंगे। अपने खुद के घर की माँ बहनों को भेजेंगे 10 के साथ सोने और वो कमाई खाएंगे, यही दिन बचा है। और एक बात याद रखना, मैं माता रानी की कसम बोल दूँगा, मैंने 2 बार 3 बार वार्निंग देने के बाद जो तुम लोगों ने हरकत की है ना, एक बात तो पक्की है कि अब तुम्हारे घर के अंदर विद्या देवी घुस रही है। बचा सको तो बचा लो अपने घर को। एक बात याद रखना, आने वाले 7 दिन के अंदर अगर तुम्हारे घर पे मैंने भूचाल नहीं लाया, तुम्हारे घर में लकवा नहीं, मैं तुमको ही लकवा पड़वा के डालूंगी, चाहे तुम औरत हो चाहे आदमी हो, तुमको ही लकवा पड़वा के खट्टे पे सुलाया नहीं ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि जो रिश्तेदार या जो भी तुम्हारे आज आगे पीछे घूम रहे हैं, वो तुम्हारे खट्टे पे सोने तुम्हारे साथ कौन आता है? बहुत बहुत हो गया, बहुत माफ़ी दे दी, बहुत बोल दिया, बहुत तुम लोगों को माफ़ी दे दी, बहुत तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर लिया, बहुत कोशिश कर ली कि जाने दो, अब सुधरेंगे, लेकिन तुम लोग सुधरने लायक के मामले में से नहीं हो, जब तक तुम्हारे साथ कुछ बड़ा नहीं होगा। मैं ऐसी भी जहाँ जा रही हूँ, मेरा फ़ोन वोन लगेगा नहीं, जिसको भी काम देना है दो, नहीं देना है मत दो, मेरी काड़ूबाई देखेंगी। इस बार मैं एक अलग सिद्धि के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वाले मुझ पर भरोसा करते हैं, उनका काम हो, सबकी दिवाली अच्छी जाए, सब काम अच्छा हो। और कुछ जो लोग बार बार मेरे बीच में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, उनकी मौत की खबर है। एक बात याद रखना, ICICI बैंक वालों के लिए भी पूजा चालू है बगैर इन्फॉर्मेशन, उनके आग लगनी है, उनकी तो बैंड बजनी है। दूसरी बात, जितने लोगों ने अकाउंट फ्रीज का, ये जो साइबर के नाम पे फ्रॉड चल रहा है, ये साइबर के फ्रॉड के नाम पे भी सारा का सारा रैकेट पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूजा चालू है, सबके साथ बहुत बड़ा होगा। दिवाली पूरी होने से पहले 25 अक्टूबर का महीना चालू है ना, 25 अक्टूबर तक ये सारा खेल ख़त्म करेगी विद्या देवी, और जो होगा बहुत बड़ा होगा, एक बात याद रखना। और ये जो भी और ये जो औरतें भी करती हैं ना, सारी रंडी लोग, तुम लोग खुद की, तुम्हारी माएँ 10 भड़ों के साथ सो के तुम जैसी औरतों को पैदा की हैं, है ना, तुम जैसे आदमियों को पैदा की हैं, पता नहीं कितनी बार अबॉर्शन करवाएगा, तुमको भी वही सिखाया, तुम लोग आने वाली जनरेशन को भी वही सिखाते हो? अरे तुम्हारी खुद की जनरेशन में इंसान 2-2, 4-4 शादियाँ करते हैं, हाँ, तो तुम्हारे आने वाली जनरेशन क्या करेगी? कौन तुम्हारी जनरेशन पे भरोसा करेगा? क्या गारंटी कि तुम्हारी जनरेशन भी आगे जाके एक के साथ निभाएगी? तुमने 2 किए तो तुम्हारी आगे की जनरेशन 4 करेगी, और जब तुम बोलने जाओगे तो बोलेंगे क्यों, तुमने किया तो चमत्कार, हमने किया तो बलात्कार। ये होता है आज की रीति, पता है आज की तारीख में औरतें करवा चौथ का व्रत रखने से भी डरती हैं कि किस बेसिक पे व्रत रखेंगे। कोई बात नहीं, मैं करूँगी सब चीज़ों को सही। मेरा एक ही बात है, मैंने बहुत बार मना किया, साले तुम लोग तो नशेड़ी हो, जो नशेड़ी था ना, नशेड़ी से भी बेकार हो। इतना बड़ा इतना क्राइम कैसे किसी के दिमाग में चल सकता है? इतने सारे क्राइम कैसे किसी के दिमाग में चल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो इन लोगों का साथ देते ना, उनकी हालत जो होगी बहुत बेकार होगी। मैंने ऐसे भी कहा ही था, आने वाले 2 महीने इतनी राशियों के लिए ख़राब है, इनकी मौत का कारण बनेंगे, और तुम अपने परिवार का मौत का कारण बनोगे। जो इतने लोग ये जो हरकत कर रहे हैं ना आज की तारीख में, तुम लोग अपनी मौत का कारण बनोगे। और तुम्हें पता है, मैंने बोल दिया तो मैं करके दिखाऊंगी
मेरा दिवाली हो चुका है मेरी नवरात्रि में, मेरे लिए मत सोचो कि मुझे दिवाली मनानी है। मैं मेरा दिवाली का मतलब होता है नवरात्रि, माँ के 9 दिनों में मैं सारा शौक पूरा करती हूँ अपना, माँ को दिए लगाना, माँ को तैयार करना, ये करना। हमारे में दिवाली का कुछ नहीं, मेरे लिए दिवाली की रात की पूजा जिन्नात को हाजिर करना होता है। मेरे घर में आप कभी भी देखो कोई ज़्यादा शोर शराबा कुछ नहीं रहता, मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे लिए सारा दिवाली हम अपनी नवरात्रि में करके पूरा कर चुके रहते हैं। मेरी दिवाली तो हम जो नवरात्रि में हो गई, अब तुम्हारी जो मैं करूँगी बैंड बजाऊँगी उसके लिए वेट करो। दिन दहाड़े पे नई रोड पे दौड़ा दौड़वा के मार खिलवाया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। इस बार तुम लोगों ने मेरी तीसरी आँख खोली और जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा। तुम लोगों को खटिए पे नहीं लिटाया ना ये 7 दिन के अंदर तो नाम बदल देना। अगर मैं सच्चे मन से काड़ू भाई जा रही हूँ और सच्चे दिल से काड़ू भाई की पूजा कर रही हूँ। काली माता कहते ना, मेरी काली माता को बचपन से मैंने प्यार किया, उनसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे पावागढ़ के रूप में दर्शन दिया है, कलकत्ता के रूप में दर्शन दिया, काड़ू भाई के रूप में दर्शन दिया है। वो मेरी सुनेंगी ही सुनेंगी। और इस बार मैंने सोचा है कि हर बार मैं जो मंत्र जाप करती हूँ वहाँ पे बैठ के मैं मंत्र 1,25,000 जाप करूँगी। 7 दिन में 1,25,000 जाप मंत्र पूरा होगा और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा इस दुनिया का कोई तांत्रिक पंडित ओझा बाबा अगर तुमको बचा लिया उसे मेरा नाम बदल देना। तुम लोग दूसरों को घर दूसरों को बेघर करते हो ना, तुम लोग दूसरों के सर से छत छीनते हो ना। आने वाले 7 दिन में अगर तुम्हारे सर से छत नहीं छीनी ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। बस मज़ा देखो बस।